हेलो दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। दिवाली स्पेशल बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे एक कटोरी के माप से हमने दो कटोरी, इस तरीके की कटोरी से दो कटोरी बेसन ले लिया है, और उसी कटोरी के माप से हमने एक कटोरी पिसी हुई चीनी, आधा कटोरी घी, 4 से 5 इस तरीके से बारीक कटे हुए बादाम हमने ले लिए हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई को रखा गर्म होने के लिए, उसमें घी डाला, थोड़ा सा घी बचा लिया है। अब इसको हम घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे एकदम स्लो आंच पे, ताकि इसमें जब एक भीनी भीनी बहुत ही अच्छी सौंधी खुशबू आने लगे, और जब बेसन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम जो बचा हुआ घी है वो भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर 3 से 4 मिनट और भून लें। अभी अच्छे से आप देख सकते हैं भून चुका है, और बहुत ज़्यादा घी इसमें ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेगा बहुत अच्छे से। अगर आप जो एक माप ले उसी से बेसन जितना लें, उसका आधा चीनी उसका आधा घी आप लेंगे, तो कभी भी ये बेसन का लड्डू आपका अच्छे से बनेगा, कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तो ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसमें डाल देते हैं 3 से 4 कुटी हुई इलायची, और जो पिसी हुई चीनी थी उसे डाल देंगे। आप चाहो तो मार्केट से पिसी हुई चीनी ला सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना करें। हल्का सा जब बेसन गर्म हो तभी इसमें चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं बेसन और चीनी एक में ही। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा लें जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है, और इस तरीके से आप गोल गोल करेंगे हाथों के हथेलियों पे लेके, तो ये तुरंत ही लड्डू बन जाएगा और बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन के तैयार है। ना बहुत ज़्यादा सूखा है, ना बहुत ज़्यादा गीला है। इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे तो एकदम से सेट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में, और बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन के तैयार है। तो इसे मैंने छोटे प्लेट में निकाला था पहले, फिर मैंने इसे बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र किया क्योंकि वो आपस में चिपक जाते लड्डू। अब इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा बादाम, और बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही सुंदर लड्डू बन के तैयार है खाने के लिए। तो आप भी बनाइए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल।